गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्वाटिक प्लांट्स। तो मैंने जो इसके पहले आपको चैप्टर जो पढ़ाया था, मतलब ये उसी चैप्टर का ही है जो प्लांट एडेप्टेशन है। तो उसमें दो बताया था मैंने आपको, क्या क्या था, प्लांट एडेप्टेशन और प्लांट एडेप्टेशन में क्या क्या बताया था आपको, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट। तो जिसमें से आज हमें क्या पढ़ना है, एक्वेटिक प्लांट। तो सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट तो होता है, एक्वेटिक मतलब प्लांट मतलब तो सभी को पता होगा, एक्वेटिक जो होता है वो पानी से रिलेटेड का, मतलब वो पानी वाले प्लांट, ये पानी प्लांट मतलब पानी के पौधे। तो और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जमीनी पौधे, मतलब जो जमीन पे उगते हैं या लैंड पे। तो एक्वेटिक प्लांट में भी कुछ मतलब कई तरह से इन्हें रखा गया है। तो जो आप लोग ने कभी अगल बगल या किसी तालाब या किसी रिवर में आप लोग गए होंगे, तो आप लोगों ने जब रिवर को देखा होगा, आपको उनको देखा होगा, तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो निचले हिस्से में होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बीच वाले हिस्से में होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं नीचे बीच और ऊपर तीनों होते हैं। तो जो ये जो एकदम सबसे नीचे रहता है, ठीक ना, जो पानी की सतह से थोड़ा सटके ही रहता है, मतलब ये जो पानी ऐसे रहेगा ये यहाँ पे रहेगा और इसकी जड़ जो पानी से टच रहेगी और बाकी सब पानी में टच नहीं रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, एमर्जेंट प्लांट बोलते हैं। एमर्जेंट का मतलब जो होता है उद्रामी होता है, उद्रामी पौधे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, वो देखिए ब्लूरस और कटहल, ये क्या है, दोनों एग्जाम्पल है किसके, एमर्जेंट प्लांट के एग्जाम्पल है। अब इसी तरह आप देखिए आगे, एक फिर होता है उसके आगे फिक्स्ड प्लांट, फिक्स्ड प्लांट। तो फिक्स्ड प्लांट होता क्या, दिस प्लांट आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड ऑफ द हैव टू स्ट्रॉन्ग रूट। देखिए फिक्स्ड प्लांट का मतलब ये पहले से वाटर बेड जो पानी का एकदम निचली हिस्सा है वहां पे इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है और ये मिट्टी से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। दे आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट, और इन्हें क्या बोला जाता है, फिक्स्ड प्लांट बोला जाता है। एग्जाम्पल आ देखिए इसकी, कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप लोगों ने लोटस देखा होगा, लोटस मतलब कमल के फूल, कमल का फूल, वाटर लिली। तो लोटस को आप लोगों ने कभी कुछ लोटस देखे है, तो लोटस का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसका जो फ्लावर जो होता है या उसकी जो पत्तियां होती है वो क्या बोलते हैं, पानी की सतह से ऊपर होता है। क्यों होता है, उसके कुछ रीजन है। देखिए वो जो उसका पौधे में जो पत्तियां लगी रहती हैं वो पत्तियां वैक्सी होती है, वैक्सी का मतलब मोम की जैसे होती है। नहीं तो आपको अगर जैसे आपके अगल बगल एक छोटा मतलब पौधा होता है, अगर पानी अगर उस पर छोड़िएगा तो वो पानी अपने आप फिसल जाता है, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता है। सेम टू सेम वही पत्तियां कमल के पास भी होती है और वो पानी अगर उसके ऊपर थोड़ा भी जाएगा तो वो पानी उसके ऊपर टिकेगा नहीं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।